हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। आज हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज जंबल्ड वर्ड। जंबल्ड लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स दैट डोंट मेक अ मीनिंगफुल वर्ड आर कॉल्ड जंबल लेटर्स। मतलब लेटर्स जो आगे पीछे ऐसे अरेंज हो जिनसे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता हो, दे डोंट मेक एनी सेंस, दे आर कॉल्ड जंबल वर्ड। तो फिर उन जंबल वर्ड्स को हमें क्या करना पड़ता है? अरेंज। तो जंबल वर्ड्स को हम अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनपीई। तो ये एनपीई से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, तो हम इसमें कैसे इन लेटर्स को अरेंज करेंगे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? तो सी, पी ई एन, ये हो गया पेन। तो पेन एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स। टी बी ए, क्या बता सकते हैं इससे क्या बनेगा? ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, ये जंबल लेटर्स हैं, तो इन जंबल लेटर्स से हमें वर्ड बनाना है। ये हो गया बी ए टी। अब ऐसे ही ए एम टी, इससे क्या बन जाएगा? एम ए टी, मैट। दीज आर जंबल वर्ड। एल ए बी एल, अब इससे हम क्या वर्ड बना सकते हैं? बी ए एल एल, बॉल। तो दीज आर जंबल वर्ड, जिन्हें ऐसे कैसे भी अरेंज कर दिया जाता है जिससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनते हैं, और इन्हीं जंबल लेटर्स को हम अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। मतलब रीअरेंज करते हैं लेटर्स को मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए। यही होते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल लेटर्स। तो कुछ हमने थ्री लेटर वर्ड्स का देखा, फोर लेटर वर्ड्स का भी देख लेते हैं। इससे क्या वर्ड बन जाएगा? बी ई ए आर, बियर। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें।